इंडियन आइडल पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्वींस ऑफ 90s. तो स्वागत कीजिए इंडियन म्यूजिक का प्राइड नेशनल अवार्ड विनर पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी एंड द वेरी वेरी मेलोडियस नेशनल अवार्ड विनर एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साधना सरगम जी. कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितनी प्यारी आंखें हैं आंखों से झलकता प्यार खुद रत ने बताया हो और सबसे तुझे मिलिया खुद रत ने बताया हो और सबसे तुझे मेरे यार. देखो भाई हमें मेलोडी किंग बोलते हैं. मैं समझता हूँ कि बिना मेलोडी क्वीन के किंग अधूरा है ना. तो इसीलिए 90s का मेलोडी क्वीन जो है उन दोनों को मैं लेके आया साथ में हुसैन. दादा किंग ऐसे खड़े हो गए. इधर आइए इधर 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 आइए. आ गया. खड़े रहने का एक किंग का एक स्टाइल एक अंदाज. नहीं नहीं ऐसी रहेगा ऐसे रहेगा. छोड़ी मत दादा. मैं यहाँ से नहीं हटने वाला. मैं नहीं नहीं हटेगा दादा. अब मैं नहीं हटेगा. देखिए मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे ये चीटिंग है लेकिन 90s की क्वींस के लिए जिनके लिए हमारा हार्ट तब से बीटिंग उनके लिए बनती है थोड़ी बहुत चीटिंग है कि नहीं. सही है. यू आर नॉट जस्ट द क्वींस ऑफ 90s. आप क्वींस ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री हैं. पिलर्स खड़े हैं हमारे सामने यहाँ पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच श्रेया. मुझे बहुत खुशी हो रही है इंडियन आइडल का ये मंच. ये इसकी महिमा ही कुछ और है और ये कंटेस्टेंट तो कमाल हैं. सबको ऑल द बेस्ट. इंडियन आइडल के इस मंच पे आना इट्स ऑलवेज अ ड्रीम फॉर मी. थैंक यू. इट्स अ प्लेजर. बाय. आइए. कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितनी प्यारी आंखें हैं आंखों से चलकता प्यार कुदरत ने बनाया हो इंडिया. वेलकम टू इंडियन आइडल. आइए बुलाते हमारे पहले कंटेस्टेंट को तालियों के लिए. 90s का माहौल है तो 90s का ही एक क्विज है जो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि बताइए ये कौन से सुपरहिट गाने के लिरिक्स हैं. ए दिलरुबा मुझे ये बता तेरा नाम है क्या तेरा क्या पता तेरी भाग गई है अदा हो गया दिल फिदा सुन ले सदा. ए दिल रुबा मुझे ये बता. ये जो तू बोला ना इसी गाने के इस गाने का सुपर डुपर हिट गाना है. ये साधना जी के उस गाने के इनिशियल बोल है पहले के बोल है जिन पर मजरू सुल्तानपुरी जी ने अपना जादू चलाया. अच्छा। और उस गाने के नए बोल बन गए पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार. और साधना जी का गाया ये गाना बन गया इंडिया का लव एंथम. मैम व्हाट अ सॉन्ग व्हाट अ सॉन्ग व्हाट अ सॉन्ग. और अब आप सब भी दिल थाम के बैठे क्योंकि आज इसी गाने पे अपना जादू चलाने आ रहे हैं सुकून की शक्ल ओबाम साधना. चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया के साथ ही प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया.
क्या अपना है दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला ऐसा कोई इंसान है जिसने इस गाने से अपना पहला इश्क नहीं निभाया हो सो ये ऐसा गाना है ओबोम ऑलरेडी एक अलग आवाज है उसमें एक कॉन्फिडेंस जागते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमने बहुत अच्छा गाया बहुत कुछ बोलने जैसा है लेकिन अभी तो मैं यही कहूंगी छा गए आप उदित जी का छाया हुआ है हमारे दिमाग पे उनकी आवाज उनकी अदा उनकी लेकिन आपने अपने ढंग से उसको अपना के गाया पहला नशा पहला खुमार जैसे कुछ गानों को सचमुच माता सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाता है जतिन जी ललित जी उन्होंने खुद यह गाना अरेंज किया है विजू शाह जी ने इसमें जो इंट्रो म्यूजिक है वो बजाया है देखिए कितने बड़े बड़े नाम इसमें जुड़े हुए हैं फराह खान जी मंसूर खान जी और मजरू सुल्तानपुरी जी उदित नारायण जी सबके लिए तालियां आपने कौन से सुर में गाया मैं तो इसमें गाती हूँ वो भी नीचे करके गाती हूँ सुर मैम जी मैं जी में नहीं गाऊंगी एफ में उसने ये बात की कुछ ऐसे ढंग से सपने दे गया वो हजारों रंग के रह जाओ जैसे मैं हार के और जो हिट पे लिट क्या आपका है जी जी ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है थैंक यू मैम थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग संगीत का साक्षात स्वरूप एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मेनुका पौडेल
चुपके से चुपके से रात की चादर तारे चांद की है आहट ना हो बादल के पीछे जाने जले
है यार, अनरियल अनरियल। मेरे को जो हमेशा होता है इस बार भी वही हो रहा है। तुम्हारा गाना सुनते वक्त जो मेरे मन में बात आ रही थी, मैं जानती हूँ कि तुम बाबा को बहुत मानती हो, साईं बाबा को, राइट? जी मैम। बाबा का इतना आशीर्वाद है तुम पे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो चीज़ देखने की ज़रूरत है ना, वो करेक्ट नज़र दी है, वो है सुर। थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, वो कहीं पर चूक नहीं हो रही है, हर सुर दिल को छूते हुए गया है। बहुत सुंदर गायक है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गायक। तुमने कुछ कुछ जगह पे इम्प्रोवाइज भी किया, थोड़ा सा लेट लय को पकड़ के गाया। Amazing. Thank you so much, sir. आजकल जितने भी सिंगर हैं सब परफॉर्मर होते हैं। फैंसी कपड़े पहन के स्टेज पे किस तरह मूवमेंट होना चाहिए, किस तरह से ऑडियंस को मोह लेना चाहिए, वो सब लेकर जाते हैं स्टेज पे। आप वो सब छोड़ के जाती हैं, जैसे बाहर चप्पल उतार के जाते हैं ना मंदिर में, वैसे आप स्टेज पे आती हैं। You're an incredible artist, incredible. Thank you so much, sir. मैं यहाँ बैठ के नहीं, मैं उसको गले लगाना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ आना चाहती हूँ। चुप कैसे लग जा गले। She's wonderful. परमात्मा की कृपा है आप पे, इसलिए आप हृदय से गाती हैं, इसलिए सबके हृदय तक पहुंचती है आपकी आवाज और सबके दिलों में आप बस गई हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये गाना श्रेया ने भी गाया है। मुझे ये गाना इतना इतना पसंद है, इसलिए मैं गाती रहती हूँ जब भी मौका मिलता है। विशाल जी की ख्वाहिश है कि आप दोनों yes, वो जादू हमको मैंने बोला अगर आप दिखा सके दो लाइन में। कम ऑन। चुपके से रात की काजल तले, चांद की भी आहट ना के लिए तो बनता है, लेकिन हम इसको बड़ा सॉफ्टली बोलेंगे, ठीक है? ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है। थैंक यू। प्रेजेंटिंग इंटरनेशनल अवार्ड, इंडियन एहसास, साउथ अफ्रीकन रिटर्न, मैथी ली शो। Gagari gagari gama gani 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 gani
गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो शहनाइयां लहराती है महकी हवा गुनगुनाती है तन्हाइयां सब गाते हैं सब ही मदहोश गाने का जो फील है ना वो तुमने फील करके गाया गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो शहनाइयां ऑल द बेस्ट थैंक यू ऐसी आवाज है आपकी और इन गानों के साथ इट्स इम्पॉसिबल टू सेपरेट दैट थिंग बट मैथिली ये तुमने इतना अच्छे से निभाया अपना तुमने अपना बना के गाया इस गाने को सब गाते हैं सब ही मदहोश है हम तुम क्यों खामोश है इतना खूबसूरत गाया है और साधना जी मैं तो सुनना चाहूंगी आपसे ये प्लीज मैम प्लीज तो थोड़ा सा अगर प्लीज तुम भी आओ मैं भी आऊंगी आओ ना आओ ना ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है कि साधना दीदी के साथ इतने अरसों पहले शायद मैंने लास्ट उनके साथ गाया था यूं स्टेज पर कभी खड़े होकर साथ में नहीं गाया मैं ऐसे बैठती थी नीचे और वो हमको सिखाती थी हमको गाइड करती थी हम सारे जो बच्चे थे बहुत सारे बच्चे साथ में हम गाते थे कल्याण जी अंकल के पास सीखते थे और दीदी को सुन के हम कोशिश करते थे उनका जैसा गाने का थैंक यू दीदी फॉर डूइंग दिस धड़कन में क्या राग है
थैंक यू. एक आइकॉनिक गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए, हमारी ख्वाहिश है कि वो गाना हम आज भी सुने. तो प्लीज कम अप ऑन स्टेज एंड जॉइन अस फॉर दिस सॉन्ग. क्वीन से एक छोटा सा सवाल. मेलेडी किंग हमारे शानुदा को कहते आए और हमेशा ही कहते रहेंगे. उस वक्त जब एक्चुअली सर आते थे स्टूडियो में, तो स्टूडियो के बाहर कुछ ऐसे मैड क्रेजी फैन मोमेंट्स कुछ ऐसे याद है आपको जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? स्टूडियो के अंदर ही इतने फैंस हैं कि बाहर तो मतलब अगर पता चले कि शानुदा आने वाले हैं तो डेफिनेटली लोग जमा हो जाते हैं. लोग नहीं, लड़कियां. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.